पंक्चर हुआ, मैं बिन सपोर्ट मेरे से कराई, सपोर्ट मेरे से कराने के बाद मेरे 3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद सुमित मैंने कोई छोरी के चक्कर में मेरी सफाई करवा दी, भी बाद में मैं दूसरे में प्रेग्नेंट हुई, अब भी वो कोई छोरी पीछे ला के मेरी सफाई कराना चाहे, छोरी की माँ ने छोरी ने सबको दिखाया, मैं बन करे जाके वहाँ समझा के आई हूँ भाई सारी आप बात है विषय था छोरी ने समझा लो, वहाँ कौन समझाई मेरे घरों मेरी कदम सोना की कदम की चीज़ काट के ले गए, कदम की चीज़ काट के ले गए, मैं मेरे हस्बैंड पर बहुत विश्वास करो, आज मैं बंद होने ना रूम पर थाके पकड़ है तो हूँ मैं की करते हो, मैं महंगाई करू भी दोनों सजा होनी चाहिए, मैं मेरे पहला भी एक बच्चों गिरा चुका है, दूसरा गिलारा मट रहा है, छोरी मेरा हस्बैंड नहीं है कि भाई तू सफाई करा दे तलाक दे दे, जितना तेरे साथ बैठ रहा हूँ, छोरी की माँ भी आई बात के है भी तू तेरे पहला ले लुगाई छोड़ दे, मैं छोरी का तेरे साथ करा देगा। किस तरह का मामला है जी? मेरा नाम है सुरानी है जी, फिर हाँ मेरी बेटी है 16 साल की है, फिर सीनियर स्कूल की आई है पढ़न, फिर उत्थों लेके गए कोई सुहाग नहीं पूरे थले, फिर सानू फोन किया गया भी साड़ी कुड़ी ने कोई मुंडा बिठाई रखे है, और कुड़ी ने थाने लेके गए कुछ मार करके बहुत कुटी है, 4-5 जने कुछ ना रहे है, थाने च जाके मैं कुड़ी ने छुटाई है, मेरे आप दे पेट के लत्त मारिया उन्हें कुड़ी ने, थाने च बहुत वही है मार कुट, उन्होंने कुड़ी ने क्यों कुटे है, कुड़ी ने कोई सुहा के लेके गया है पता नहीं अभी की गल है की ना है, अगर सानू तो फोन कर गया है किस तरह का मामला है? तो मेरी कुड़ी ने इन्होंने पता नहीं की संघा के उत्ते लैके गए पौधे ठाउ, ठीक है जी, उत्ते इन्होंने कुटमार की है कि की पता मेरे कुड़ी की कुछ किया की नहीं किया, सब तो जो असं पहुंचे बेहोश मिली है, ठीक है जी, उस बाद असं हस्पताल से दाखिल कराया इन्हें, हस्पताल कहते थाने रफ लिखा के थाने गए तो थाने के इन्होंने साढ़े कुटमार की मेरी घरवाली तो पूनम नाल, थाने वाले देखते रह गए किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है जी, कि लोग से जो उ लैके गए आ ना मैं पता नहीं जी ना असं जानते हैं, मैं धर्मपुरे रहना सन तो बुलाया गया है, ठीक है जी, जो असं आए हैं साड़ी कुड़ी बेहोश सी की सानू कुछ नहीं पता है, पुल दे थल्लों मिली है जी, हाँ जी पुल दे हेठों मिली है जी, अच्छा थाने से लैके पुल दे हेठों चक के जो असं पहुंचे हैं सानू पहला बुलाया पुल दे हेठा, जो असं उत्ते पहुंचे साडे तो पहला ही जाके थाने उत्ते लै गए जी सिटी वन च, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਇਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਜਰਾ? ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲਣ ਲਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰੀ ਕਰੀ ਛੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਤੋ ਮਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਬਾਪ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਆ ਛੋਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੱਤ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁ ਦਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬੇਤਮੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੋ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾ ਕਿਨੂੰ अच्छा शहर आया दवाई लैन वास्ते, पुल दे थलो जदों मैं मोटरसाइकिल ठल्लिया भीड़ जी वेखी सर, उतो दो लेडीज है जिहड़े मेरे नाल चढ़ गए मोटरसाइकिल, वो मैंने कहते भी थाने छड़ के आओ तुम, मैं उन्होंने कहा माता मैं नहीं छड़ सकता तुम थाने, भी थोड़ा पता नहीं की मैटर है की नहीं, उस बाद फिर कोई आया जी भाई उधरों उधरों कुड़ी ने लैके आए चक के बेहोशी जी कुड़ी, वो कुड़ी ने मैं वेखी मैं कुड़ी साढ़े पिंड की दोती है, ठीक है जी, इस तरह मैं उन्होंने मैं कुड़ी साढ़े पिंड की दोती है, इधर मैं उन्होंने कुड़ी आवाज़ ला लगे मोटरसाइकिल लै गए, इधर भीड़ सी वाला भीड़ के करके मोटरसाइकिल टपा ले गए,
ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜੂ ਭੈਣੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਾਚ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ? ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਭੀੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਭੀੜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਨੀ ਝੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਦੋ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਡਾਟਰ ਆਫ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰ? ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ।